जब हम और आप छोटे बच्चे थे तो क्या करते थे? नाक बाहे घूमते थे, लेकिन 6 साल के अरहाम ओम तलसानिया ऐसा नहीं करते, वो करते हैं कोडिंग। तभी तो सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गए हैं और इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी नाम आ गया है। इस वजह से ये खबरों में है। रहने वाले हैं अहमदाबाद के, दूसरी क्लास में पढ़ते हैं और अभी से ही माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन एग्जाम भी क्लियर कर लिया है। गुजरात की ही एक और लड़की है, नाम है नीलांशी पटेल, 18-19 बरस की है। इनके नाम पर भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किसी टीनेजर के सिर पर सबसे लंबे बाल होने का रिकॉर्ड नीलांशी ने अपने नाम किया है और ऐसा उन्होंने तीसरी बार किया है। इसी के चलते 4-5 दिन पहले नीलांशी भी खबरों में थी। ऐसा एक या दो नहीं बल्कि कई सारी खबरें आए दिन आती हैं कि फलां ने इस मामले में गिनीज रिकॉर्ड बनाया, अलां ने उस मामले में। तो हमने सोचा क्यों ना आपको ये बता दिया जाए कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आखिर किस चिड़िया का नाम है और ये चिड़िया पैदा कैसे हुई। कई सवाल हैं, जवाब आप मुझसे जानेंगे यानी प्रतीक्षा से। भारत से करीब 8000 किलोमीटर दूर यूरोप में एक देश है आयरलैंड। यहाँ 18वीं सदी में एक ब्रूअर यानी शराब बनाने वाले का जन्म हुआ, नाम आर्थर गिनीज। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में इन्होंने 1759 के आसपास गिनीज ब्रूरी यानी शराब की भट्टी खोली। वो मौजूदा समय में ब्रिटिश शराब कंपनी डियाजियो का हिस्सा है, लेकिन 1990 के दशक के पहले तक ये इंडिपेंडेंट कंपनी हुआ करती थी। गिनीज ब्रूरी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर हुए, नाम था सर ह्यू बीवर। टाइम मैगजीन के मुताबिक नवंबर 1991 की बात है, ह्यू अपने दोस्तों के साथ एक हंटिंग ट्रिप पर गए आयरलैंड के काउंटी वैक्सफोर्ड इलाके में। यहाँ इन्होंने गोल्डन प्लोअर नाम के पक्षी का शिकार करना चाहा, लेकिन निशाना लग नहीं पाया। इस पर बीवर ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि गोल्डन प्लोअर यूरोप का सबसे तेज गेम बर्ड है। गेम बर्ड यानी वो पक्षी जिसका खाने के लिए या खेल के तौर पर शिकार किया जाए। इसी बात पर उनकी और उनके दोस्तों की बहस हो गई, लेकिन कोई भी सटीक नतीजे पर नहीं पहुंच पाया क्योंकि उन्हें ऐसी कोई किताब नहीं मिली जहां इस सवाल का जवाब उन्हें मिल सके। तभी बीवर के दिमाग में ये आइडिया आया कि इस तरह के सवालों के जवाब के लिए एक किताब का होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये आइडिया गिनीज के प्रमोशन के लिए भी सही माना। फिर 1954 में उन्होंने लंदन के दो जुड़वा भाइयों को बुलाया, नॉरिस मैक्विटर और रॉस मैक्विटर। दोनों फैक्ट फाइंडिंग रिसर्चर थे। उनको टास्क दिया कि इस तरह के फैक्ट्स जैसे कौन सबसे तेज, सबसे लंबा, छोटा टाइप, इन सारे सवालों के जवाबों की एक किताब जो है वो तैयार की जाए। प्लानिंग ये थी कि इस किताब को बार और पब्स में फ्री में बांटा जाएगा ताकि इससे गिनीज ब्रूअर की पब्लिसिटी भी हो सके। मैक्विटर ब्रदर्स ने गिनीज बुक लिखने के लिए लंदन का ऑफिस चुना। ढेर सारी रिसर्च के बाद 1955 में पहली बार गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पब्लिश की गई। बहुत ज़्यादा हिट हुई, करीब 50,000 कॉपियाँ दोबारा प्रिंट की गई और बेची गई। उसके बाद से हर साल इस किताब को पब्लिश करने का सिलसिला शुरू हुआ। गिनीज बुक ने कई बार सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब का रिकॉर्ड भी बनाया। किताब के पहले एडिशन की सफलता के बाद से ही मैक्विटर ब्रदर्स इसे पब्लिश करते रहे। साल दर साल नए नए रिकॉर्ड इसमें शामिल होते, पुराने टूटते रहते। मैक्विटर ब्रदर्स को भी खासी पब्लिसिटी मिलती रही, कुछ टीवी शो का हिस्सा भी बने, लेकिन 1975 में रॉस मैक्विटर की हत्या कर दी गई। हालांकि इसके बाद भी किताब का पब्लिकेशन चलता रहा। 1999 तक इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कहा जाता था, लेकिन इस साल इसका नाम बदलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया गया, बुक शब्द हटा दिया गया। साल 2000 में इसकी अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई, guinnessworldrecords.com, यानी गिनीज रिकॉर्ड्स ने डिजिटल दुनिया में एंट्री मार ली। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2021 की किताब भी मार्केट में आ चुकी है। आपको लगता है कि आप भी इस बुक में दर्ज हो सकते हैं तो आपको क्या करना होगा? अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर लगता है कि आप में कोई ऐसा टैलेंट है या किन्हीं नेचुरल कारणों से किसी फील्ड में आप बाकियों से अलग हैं, आपके जैसा कोई भी नहीं है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट के ज़रिए ही। गिनीज की टीम को अगर आपका टैलेंट या खूबी अलग लगती है तो उसका जायज़ा लिया जाएगा, उसके बाद ही फैसला होगा। ये भी बता दें कि कुछ अजीब रिकॉर्ड्स भी इसमें दर्ज हैं, जैसे भारत के श्रीधर चिल्लाल के नाम हाथ की उंगलियों में सबसे लंबे नाखून होने का रिकॉर्ड है। इंग्लैंड के गैरी टर्नर के नाम सबसे ज़्यादा स्ट्रेच होने वाली त्वचा का रिकॉर्ड दर्ज है। एकदम पॉलिथीन की तरह उनकी स्किन जो है वो स्ट्रेच हो जाती है। ब्राज़ील की एलन डेविडसन के नाम शरीर में सबसे ज़्यादा पियर्सिंग कराने का रिकॉर्ड दर्ज है। सर्बिया के दालिबोर जाब्लानोविक के शरीर में बिना किसी ग्लू के मेटल चिपक जाता है। इसी तरह के और भी कई अजीबोगरीब रिकॉर्ड्स आपको गिनीज बुक में मिल जाएंगे।
आखिर में उस सवाल का जवाब भी दे देती हूँ जिससे कहानी शुरू हुई। सबसे तेज गेम बर्ड जो है वो गोल्डन प्लोवर ही है।